हाँ ये वाला कितना, ये वाला कितना, मतलब बगमैन लगा देंगे घर के पास और उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी रस्सी को बांधते हैं। ये साहिल तुम इसमें बांधो, इसका यहीं पे बांध देंगे सॉकर का पास से, हम टाइट से बांधना ठीक है। क्लच प्लेट नहीं जली है ना गाड़ी का, 220 में अभी बड़ा खर्चा आ गया है। गाड़ी का क्लच प्लेट पूरा जल चुका है, इसे जाके चेंज करवाना होगा अभी। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग होने वाला है 220 वर्सेस V4। मुझे मिल के पास दोनों बाइक है जिससे हम लोग व्लॉग शूट करेंगे, उसमें हम लोग टग ऑफ वॉर करेंगे एंड देखेंगे किस में ज़्यादा टॉर्क है, किस में ज़्यादा पावर है। हम लोगों को रस्सी भी लेना होगा, हम लोगों ने अभी तक रस्सी नहीं लिया है। चलो तो ब्राइट स्ट्रीट चल रहे क्या? तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्राइट स्ट्रीट, उसके बाद जाएंगे मुझे मिल के पास। हाँ ये वाला कितना, ये वाला कितना, मतलब एक टो लगेगा शायद, कितना एक टो? 200। तो बड़ा वाला, इसका छोटा वाला नहीं है, छोटा ही है। तो अभी हम लोग रोप ले चुके हैं ब्राइट स्ट्रीट से और अब जा रहे हैं वापस मुजम्मिल के पास। तो वहाँ मुजम्मिल दोनों बाइक निकाल के स्टार्ट करके चेक कर चुका है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मुजम्मिल के पास और ये 220 भी रेडी है, बहुत गंदा था तो मुजम्मिल ने इसे साफ़ करवा लिया और ये V4 भी रेडी है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से रामलीला मैदान से और अभी हम लोग को जाना है मिलन मेला। बगमैन लगा देंगे घर के पास और उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो मुजम्मिल आ चुका है 4 नंबर के पास साहिल को लेके, स्कूटी घर पे लगा दी है। तो वहाँ पे रहा, वो रहा साहिल और मुजम्मिल, वो लोग 220 में हैं। आज का वेदर अच्छा था तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बना ही लूँ। सही से गाड़ी चला नहीं रहा था, नहीं तो वो जीत जाता क्योंकि वो BMW 310 था और ये यामाहा का 155 सीसी का बाइक था। तो फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी रस्सी को बांधते हैं। ये साहिल तुम इसमें बांधो, इसका यहीं पर बांध देंगे सॉकर का पास से। हसन है, हसन है, रुको पहले से निकाल के दे रहे। लो छोड़ो इसको, सॉकर में, सॉकर सही है ना इसका? हाँ ठीक है, गाड़ी आगे करेंगे बराबर हो जाएगा, हम टाइट से बांधना ठीक है। और थोड़ा बड़ा करो, रुको रुको, हाँ एकदम टाइट करो। वीडियो जब तुम शूट करोगे ना तो देखना खाली रस्सी खुले नहीं ठीक है। देखिए इधर थोड़ा इसे बांधे, तो कैसे बनाएगा इस, और यहाँ पर से बंद, और हमारे साथ आज कौन है, ये है हमारे साथ विनम। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, अब बनाइए स्टार्ट।
गाइस फाइनली अभी हम लोग V4 जीत चुका है, 220 हार चुका है और ये मुझे मिल गिर चुका था। कैसा लगा हार के आपको? गाड़ी का खराबी है मेरा। गाड़ी का खराबी है? हाँ, गाड़ी बड़ी नहीं रहा। तो एक बार हम 220 में आ जाए। सेकंड टाइम में जा ही नहीं रहा, अटक गया गाड़ी। देखिए इसका ये लेदर है, एडजस्ट करने होगा। क्लच प्लेट नहीं जली है ना गाड़ी का? गाड़ी तो बढ़ ही रहने आगे, फर्स्ट गियर में फर्स्ट गियर है ना। देख तो फिर से कर, तो फर्स्ट गियर फर्स्ट गियर था। तो ये 220 हार चुका है V4 से टग ऑफ वार में। V4 जीत चुका है। V4 का टॉर्क बहुत अच्छा है, V4 का पावर भी अच्छा है और ये 220 हार चुका है V4 से। V4 वर्सेस 220 में V4 जीत चुका है। और ये वेनम को देखिए, वेनम हाई कर दो एक बार। ये 220 में अभी बड़ा खर्चा आ गया है, ये गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। आपको देखिए हम दिखाते हैं, पूरा क्लच प्लेट चेंज करना पड़ेगा, क्लच प्लेट टाइप चेंज करना पड़ेगा पूरा। गाड़ी फर्स्ट गियर में है और पूरा क्लच छोड़ दे रहे हैं। इतना गाड़ी इतना स्लो बढ़ा है। तो अभी हम लोग डायग्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका क्लच प्लेट जल चुका है, अभी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रहा है। तो ये देखिए बाइक अभी 21 के स्पीड के ऊपर जाएगा ना, 20 के ऊपर जाएगा ना, 21 तक जाएगा लास्ट, उसके बाद जाएगा ना, सिर्फ आवाज़ करेगा इंजन। तो टग ऑफ वार बनाना महंगा पड़ेगा। ये गाड़ी का क्लच प्लेट पूरा जल चुका है, इसे जाके चेंज करवाना होगा अभी इसका क्लच प्लेट। गाड़ी का पूरा क्लच प्लेट जल चुका है, इसलिए गाड़ी को अब टो करके लेकर जाना पड़ रहा है। ज़रा सा भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा, 10 के स्पीड से ज़्यादा जा ही नहीं रहा, गाड़ी सिर्फ आवाज़ कर रहा। क्लच प्लेट लगता है कि पूरा जल चुका है इसका। क्लच प्लेट चेंज करवाने का कॉस्ट इसमें नहीं भी तो कम से कम 5,000 के आसपास आ ही जाएगा। सर्विस सेंटर से नया क्लच प्लेट लगाने का 5,000 तो आराम से ही ले लेगा।